नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और गूगल क्रोम एक बहुत ही अच्छा कहते हैं इवेंटफुल एक आइडिया लेकर आया है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाली है ये जो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। आप दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैटर है, वो हमें किसी को भेजना है, सेंड करना है, तो हमें उसको पूरा मैटर भेजना पड़ता है। और ये जो पूरा मैटर है ये उसके काम का नहीं है, उसके जो काम का है वो एक छोटा सा पार्ट है। मान लीजिए ये जो पार्ट दे रखा है, इतना पार्ट जो है उसके काम का है, और मैं चाहता हूँ कि ये ही इतना पार्ट उसको भेजा जाए। तो दोस्तों जब हम इस लिंक को शेयर करते हैं किसी को, तो वह जो है पूरा पेज जाता है और वो ओपन होता है, उतने टाइम में वो पूरा उसको देखना पड़ता है। अब जो नई ट्रिक आई है उसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए ये है, और यहाँ पर चल के हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ये देख सकते हैं दोस्तों आप जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इतना पार्ट अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है तीन लाइन सामने वाला पढ़ ले, और तो हमें करना क्या होगा, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक टू हाईलाइट, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब मान लीजिए ये मैं किसी को मेल के थ्रू भेजना चाहता हूँ, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल के थ्रू सेंड करके मैंने यहाँ लिख दिया है लिंक, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये पेस्ट करने के बाद जो है अब मैंने करना क्या है दोस्तों, यहाँ से इसको सेंड कर देना है। ये सेंड हो गया है, देखिए ये जो लिंक आ गया है। अब इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नए टैब में जो ओपन होगा, वहाँ आप देखेंगे ये देखिए डायरेक्ट वहाँ पर लेकर चला गया है। और ये तीन लाइन आपको हाईलाइट दिख रही हैं, जो कि मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करके भेजी थी, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक किया था हाईलाइट करने को। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है, इस लिंक पर, मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से क्लिक करने के बाद ये तीनों आपको, ये इनका जो रंग आपको अलग दिख रहा है, ये सिलेक्टेड वो लेटर्स हैं, वो सेंटेंस हैं, वो पैराग्राफ हैं, जो हम किसी को भी हाईलाइट करके सेंड कर सकते हैं इस माध्यम से। हमें बस करना क्या होता है, हमें उस लाइन को पर्टिकुलर जो है इस तरीके से कॉपी करके, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक टू हाईलाइट कर देना होता है। अब ये जो कॉपी हुआ है इसको आप जो है कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ले जाने के बाद आप यहाँ इस तरीके से उसको पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करने के बाद आप सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने के बाद जब आप इसको देखेंगे, ये देखिए ये हमने इसको सेंड कर दिया है, यहाँ क्लिक कीजिए, और आप इस पर जैसे ही टाइप करेंगे तो वह जो पर्टिकुलर लाइंस हैं, देखिए अब ये नेक्स्ट जो दो लाइन है इस तरीके से आपको हाईलाइटेड दिखेंगी। तो दोस्तों जब बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं और हमें पूरी वेबसाइट नहीं पढ़नी होती है, हमें समय की बचत करनी होती है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके जो है अपना और सामने वाले का समय बचा सकते हैं, और एग्जैक्ट वही डाटा हाईलाइट करके भेज सकते हैं जो आप सामने वाले को पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रिक थी। गूगल क्रोम हर रोज़, हर महीने, हर हफ्ते इसी तरीके से नए नए एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ लेकर आता रहता है। हम भी वीडियोस लेकर आते रहते हैं बताने के लिए कि कैसे टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एनहांस होती जा रही है, कैसे कैसे फ़ायदे हमें होते जा रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।